हेलो दोस्तों, जितने भी मेरे शार्मिक भाई हैं, मैं उनको हार्दिक प्रणाम करता हूँ अपने तहे दिल से। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं बताता हूँ लेबर के बारे में, श्रमिकों के बारे में, और मैं यही कहना चाहूँगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं समय न गवाते हुए। देखिए पहली बात कि जो हम लोग की लेबर की ढुलाई थी 12 रुपये प्रति बोरी, वो हम लोग के 12 रुपये प्रति बोरी नहीं मिलेगी। आप ध्यान से रखिएगा, बात ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो प्लीज़ आप लोग कंप्लेट कीजिएगा कि 12 रुपये प्रति बोरी हम लोग की नहीं मिलेगी, तो नहीं मिलेगी। भारतीय रेलवे माल गोदाम शर्मी संघ ये कहता है कि हम ये जो ठेकेदार के जिम्मे से हम लोग ये हटा रहे हैं काम, ये ठेकेदार से जब जिम्मे से काम हटेगा तो ऑटोमेटिक है कि हम लोग इसे जब ज्वाइनिंग परमानेंट होगी और हम लोग सरकार द्वारा निर्धारित रूप से एक कार्यशैली से हम लोग लगे रहेंगे। तो हम लोग की तनख्वाह क्या होगी? तो हम लोग जो भारतीय रेलवे द्वारा जो सैलरी मीटिंग होगी हम लोग फिक्स होगी, 15 होगा, 18 होगा, 22 होगा, 25 होगा, 30 होगा, 35 होगा। जो भी हम लोग लेबर की सैलरी होगी उतना निर्धारित करेगा भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ, और BMGS का जितना संगठन है वो बैठेगा सैलरी मीटिंग में, तो उतना आप लोग को सुनिश्चित किया जाएगा। तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से आप लोग को इतना सूचित करते रहा हूँ क्योंकि सीनियर द्वारा ये अपडेट है, तो मैंने आपको दे दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल। आपको ऐसे लेटेस्ट अपडेट देता रहूँगा अपने चैनल पर। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।